जी तो दोस्तों मैं हूं आपका हफ्ता आपका दोस्त है इधर आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रेस बाजार था कि आपको बताया जुम्मे का दिन है आपको भाई इधर गाड़ियों को जुम्मा बाजार में आ गया हुआ है तो इधर हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में गाड़ियां आई हैं सेल होने के लिए तो आ रहे हैं आपको ये गाड़ियां दिखाते हैं और क्या क्या डिमांड है वो बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है ब्रदर आपका? जैनुल आबिदीन। तो जैनुल आबिदीन भाई कौन कौन सी गाड़ियां लेकर आए हैं? ये दो मीरा लेके आए हैं ज़बरदस्त और बड़े ही प्यारे कलर में लेकर आए हैं, थोड़ा डिटेल दें हमें इसकी। ये 19 मॉडल है, 21 की इम्पोर्ट है, 23 की रजिस्टर्ड है, अपने नाम गाड़ी है। ज़बरदस्त। मैंने मंगाई हुई है ये तो, ये इसकी जो है ना मिड वेरियंट है ये। ज़बरदस्त। बाकी आप दिखाएं इनको सारे टायर वगैरह। कितने ग्रेड की है ये? ये 4 ग्रेड की गाड़ी है। 4 ग्रेड की और फर्स्ट हैंड ही है? फर्स्ट हैंड ही है। और मेरे वगैरह मौके पर अवेलेबल होगी। और चली कितनी हुई है ये? चली हुई है तकरीबन 34,000। 34,000 जो कि तकरीबन ना होने का बराबर ही है। हाँ, पीछे से चल के आई है। और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ, और वैसे भी कह रहे हैं कि यकम अप्रैल से वहाँ पर दोबारा से पेट्रोल का जो से बम है वो गिराने का। 27-28 की कंफर्म एवरेज है। जबरदस्त जबरदस्त। ना होगी तो हमारी इनकी कोई डील नहीं होगी। जबरदस्त क्या बात, एवरेज चेक करवा के गाड़ी देंगे। और डिमांड क्या कर रहे हैं इस गाड़ी की? डिमांड इसकी जो है ना वो 30 लाख रुपया है। और हमारे को बंदा है रेट वाला लगा के? रेट इसका जो हमने अभी आज फर्स्ट डे हमारे घर की गाड़ी है, बाहर की जो है ना डीलर वगैरह की गाड़ी नहीं, तो जो है ना अभी इसका कोई रेट नहीं लगा। और बॉडी में कितनी टचिंग है? बॉडी में टचिंग है उस साइड से है तो दो दरवाजों की। ठीक। और डेड फाइनल मैंने बता देना, रख डेड फाइनल जो 28.5 लाख में दे देंगे। ये जो मीरा ये 11-15 गाड़ी है। ठीक। इसके दो भी शावर हैं। ओके ठीक है। और ये 1.45 समथिंग चली हुई है, इसकी जो एवरेज है 22-23 करती है ये। ज़बरदस्त। ठीक है। और ये जो इसकी डिमांड है वो हमारी 21.5 लाख रुपये है, 20.5 लाख रुपये में गाड़ी। मार्केट में कोई प्राइस वगैरह डाउन हुए हैं कि वैसे ही हैं जैसे प्राइस? क्योंकि आगे आम कह रही थी हुकूमत आएगी तो शायद छोटी गाड़ियों के कोई नहीं डाउन हुए। ठीक है ना। ये फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ, ये हर बंदा इस पर एफर्ट कर अफोर्ड कर लेता है इसे जो ना, ये हर बंदे की रेंज में आ गाड़ी है। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर हम देखिए 0300-864-8337। बहुत शुक्रिया जी। ये जी ना जी, हमारे पास दो मीरा आई हुई थी, एक ब्लैक में और एक पिंक कलर में। अगर कोई भाई इन गाड़ियों में इंटरेस्ट रखता है तो रब्ता करके जो थी डिटेल है फर्दर वो ले सकते हैं। तो अब हमारे पास इधर ये टोयोटा करोला जी एल आई हुई है सेल होने के लिए। 2015 का मॉडल है, वाइट कलर में है। आपको पता व्हाइट कलर को ज़्यादा पसंद किया जाता है बनस्पत दूसरे कलर के, और हमें कमेंट में काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज जो देखने को मिलती हैं वो 15 और 16 मॉडल की ही हैं, क्योंकि लोगों का जो था बजट है वो इसी प्राइस के राउंड बाउंड आ रहा है। और 33 लाख रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है। बाकी टायर की आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, अलॉय व्हील नहीं, जो सिंपल व्हील कैप्स हैं। और इंटीरियर इसका बहुत ही आउट क्लास है, 2-टोन में इसका डैशबोर्ड है और सीट्स भी 2-टोन में हैं जो कि बड़ी पायदार और नफीस किस्म की हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज़ और डोर लैचेज जो हैं इसके आपको क्रोम में देखने को मिलेंगे। और गाड़ी लॉक है, इस वजह से हम आपको इंटरव्यू गाड़ी की जो थी लुकअप नहीं चेक करवा सकते। तो अब हमारे पास इधर ये एक निसान आई हुई है सेल होने के लिए, 1997 का मॉडल है और 4,85,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है। ओल्ड मॉडल है, बाकी आप इसकी लुक वगैरह चेक कर सकते हैं, बैक की लाइट्स भी आपको चेक करवाते हैं। जिन भाइयों का बजट कम है लेकिन वो डिक्की वाली गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो ये एक उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। लाहौर का नंबर लगा हुआ है, टायर्स तकरीबन 70% है, अलॉय व्हील मौजूद है। बाकी इंटीरियर आपको चेक करवाते हैं, गत्ते इसके जो हैं वो ख़राब हो गए हुए हैं डैशबोर्ड के। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, LCD आफ्टर मार्केट इंस्टॉल है, गाड़ी रफ कंडीशन में है और प्राइस भी फिर उसी हिसाब से कम की जा रही है। तो अब हमारे पास इधर ये एक और टोयोटा करोला जी एल आई हुई है सेल होने के लिए, 2016 का मॉडल है। हमने आपको पीछे 2016 मॉडल दिखाई थी, उसकी एक की 35 लाख रुपया डिमांड की जा रही थी और ये अब 16 मॉडल है, इसकी 34-50 डिमांड की जा रही है। बाकी आप इंटरव्यू वाली गाड़ी की जो थी लुक है वो चेक कर सकते हैं, फैब्रिक में इसकी पुशीद है जो कि आपको पता है बंदा कम्फर्टेबल फील करता है। अपने लेदर के डैशबोर्ड 2-टोन में है। गाड़ी की जो माइलेज है वो तकरीबन 1,38,000 गाड़ी चली हुई है। 4 विंडो पावर है, किसी किस्म की डोर की कोई सील डिस्टर्ब नहीं है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, नीचे इतनी ज़्यादा फेड नहीं है जिस तरह की हमें गाड़ियों में अक्सर देखने को मिलती है। कब्जे वगैरह चेक कर सकते हैं, कोई रस नहीं है। बैक की लाइट्स वगैरह चेक कर लें जो कि नीट है, जस्ट आपके ये डोर पर ये एक स्पॉट देखने को मिलेगा। और टायर की कंडीशन भी बेहतर है, ये नहीं है कि आपको परचेज़ करने के बाद टायर के ऊपर कोई खर्चा वगैरह करना पड़े।
अब हमारे पास इधर ये एक निसान क्लिपर एनवी 100 आया हुआ सेल होने के लिए। 2015 का मॉडल है, 20 की इंपोर्ट और 23 की रजिस्ट्रेशन। हमने आपको पीछे एक निसान क्लिपर दिखाया था, वो तकरीबन 19 मॉडल था, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन थी वो 24 की थी। उसकी जो थी डिमांड की जा रही थी वो तकरीबन 3375 थी। तकरीबन 4 मॉडल डाउन है और इसकी तकरीबन उससे 10 लाख रुपया प्राइस भी कम की जा रही है। बाकी बॉडी की कंडीशन चेक कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है। टायर की आप कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हैं जो कि तकरीबन थोड़ा बहुत अर्सा निकलवाएंगे, उसके बाद आपको ये चेंज करवाने पड़ेंगे और व्हील गैप्स मौजूद हैं। तो अब हमारे पास इधर ये एक मेहरान आई हुई है सेल होने के लिए, VXR है, 2018 का मॉडल है और 1350 डिमांड की जा रही है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो मेहरान के दीवाने हैं वो दूसरी गाड़ियों की तरफ कम मूव करते हैं। बाकी टायर की आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, गाड़ी ओवरऑल बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। डैशबोर्ड की आप कंडीशन चेक करें, आपकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी, फैब्रिक्स में कुछ ही था। गाड़ी ओवरऑल बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। प्राइजेस थोड़ी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जब आप रब्ता करेंगे तो जो भी मौके पर कमी पेशी होता है कि वो आपके साथ कर दी जाएगी। सुजुकी एवरी आई हुई है सेल होने के लिए, 2017 का मॉडल है, 22 की इंपोर्ट और 23 की रजिस्ट्रेशन है और डिमांड 23 लाख रुपया गाड़ी की जा रही है। हमने आपको बाहर एक निसान क्लिपर एनवी 100 2015 मॉडल और 19 की रजिस्ट्रेशन थी, उसकी डिमांड दिखाई थी वो तकरीबन 23,75,000 रुपया कर रहे थे। ये सुजुकी एवरी है, 17 मॉडल है और 23 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं। वाइट कलर में है और आपको पता है जो जी सुजुकी है इसकी रीसेल वैल्यू बेहतर है बनस्बत निसान या मज़दा वगैरह के। इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं, रेड कलर में इसकी पुशीज है, आफ्टर मार्केट सोफ़ा सीट बैक की इंस्टॉल है, ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है, फ्रंट के डोर इसके पावर हैं। और आपको पता है जिन्होंने फैमिली उसके लिए गाड़ी लेनी होती है वो वैसे भी ऑटो ट्रांसमिशन में ही गाड़ी को पसंद करते हैं, तो ये एक उनके लिए बेहतर ऑप्शन आया हुआ सेल होने के लिए। और हैवी वाइट कलर में और टायर भी इसके अच्छी कंडीशन में है और अलॉय व्हील भी मौजूद हैं। डिमांड जो होती है ये फाइनल नहीं है, आपको इनमें से मजीद जो होती कमी पेशी वो हो जाएगी, तो आपके साथ मोटर वालों का जो सा नंबर है वो शेयर कर दिया जाएगा, तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इधर ये एक टोयोटा सर्फ आया हुआ सेल होने के लिए, 1994 का मॉडल है और 2450,000 रुपये गाड़ी की डिमांड की जा रही है। बाकी आप इसकी लुक वगैरह चेक कर सकते हैं, टायर ब्रांड न्यू कंडीशन में है, अलॉय व्हील मौजूद है जो कि गाड़ी को काफ़ी अच्छी फील दे रहे हैं। बाकी आप इसकी लुक वगैरह चेक कर सकते हैं, ओल्ड मॉडल में है। डैशबोर्ड की कंडीशन चेक कर लें जो कि काफ़ी क्लासिक फील देता है और लेदर पुशीज हैं। ओवरऑल गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो अब हमारे पास इधर ये एक होंडा सिटी आई हुई है सेल होने के लिए, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है और वैसे भी कहा जाता है कि कारपेट रोड के लिए लेवल की गाड़ी है और 17 का मॉडल है, 18 की रजिस्ट्रेशन है और डिमांड जो इस गाड़ी की इधर की जा रही है वो तकरीबन 33,50,000 रुपये जो कि फाइनल नहीं है। आपको इसमें से मजीद कमी पेशी हो जाएगी जब आप इधर परचेज करने के लिए मोटर वालों के साथ रब्ता करेंगे। बाकी डैशबोर्ड की आप कंडीशन चेक कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है, जो कि 2-टोन में स्टैंडर्ड कंट्रैक्ट पैनल इंस्टॉल है। बाकी आपको डोर्स की ओपनिंग क्लोजिंग ही बता देगी कि गाड़ी किस कंडीशन में है, किसी किस्म की डोर की कोई सील वगैरह डिस्टर्ब नहीं है, 4 विंडो पावर है, फैब्रिक्स में इसकी खुशी है। ये ज़रा नीचे अगर आपको मेरा कैमरामैन चेक करवाता चले आपको इधर फेट देखने को मिलेगी, कब्जे वगैरह चेक कर सकते हैं, कोई रस्ट वगैरह नहीं है, ओवरऑल नीट एंड क्लीन कंडीशन में ये गाड़ी है। तो अब हमारे पास इधर ये एक